इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के तहत इंदौर में चल रहे 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन के अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया। मंच पर सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति के साथ ही केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मंच पर मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का प्राचीन मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। भारत पूरे विश्व को परिवार मानकर काम कर रहा है। वहीं सीएम शिवराज ने अपने संबोधन में कहा कि आज मध्य प्रदेश देश का फूड बास्केट है और गेहूं उत्पादन में हमने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। भारत का मंत्र है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और विश्व का कल्याण हो। और सच में जो प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया वसुधैव कुटुंबकम का, भारत का मंत्र है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। विश्व के कल्याण के साथ विश्व का कल्याण तब होगा जब पर्यावरण बचे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत दिया है दुनिया को, इसलिए हमने भी पर्यावरण के लिए एक पेड़ लगवाया है आपके साथ। ये पेड़ हमें यह भी याद दिलाता रहेगा कि भारत का संदेश है, प्रधानमंत्री का संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये भारत का संदेश पूरे विश्व में फैलाइए। आज भारतीय समुदाय का कल्याण का काम करने वालों को महामहिम राष्ट्रपति पुरस्कृत करेंगी, उन सबको मैं बधाई देता हूँ।